भागलपुर शहर में गुरु और शिष्य की परंपरा एक बार फिर तार तार हुई। शहर के प्रतिष्ठित स्कूल सेंट जोसेफ के दो स्पोर्ट्स के शिक्षकों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल भेजा गया। दरअसल सेंट जोसेफ स्कूल की 14 साल की एक छात्रा के साथ दोनों शिक्षकों के द्वारा स्कूल कैंपस में ही छेड़खानी की गई और एक कमरे में गलत करने का प्रयास 12 तारीख को किया गया, जिसके बाद नाबालिग बच्ची के द्वारा इसकी शिकायत अपने घर वालों से की गई और घर वालों के द्वारा स्कूल प्रबंधन से इसकी शिकायत की गई। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद कल देर शाम पीड़ित बच्ची की पिता के द्वारा ललमटिया थाने में स्पोर्ट्स टीचर मुकेश प्रसाद और प्रिंस यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। वहीं पुलिस के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपी शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं के साथ मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल हमें एक कंप्लेन मिली थी ललमटिया थाना में, उसमें एक लड़की के परिजनों ने कंप्लेन दर्ज कराई थी कि उसके साथ एक अप्रिय घटना हुई है उसके स्कूल में, और हम लोगों ने तुरंत उसमें FIR दर्ज करी और उस घटना का सत्यापन किया गया। स्कूल गए, सेंट जोसेफ नाम का स्कूल है, वहाँ पे गए और CCTV कैमरा का अवलोकन किया गया। उसके पश्चात पता चला कि दो जो टीचर्स हैं, स्पोर्ट्स के टीचर हैं, एक का नाम है प्रिंस यादव और एक का नाम है मुकेश प्रसाद, दोनों साहेबगंज यूनिवर्सिटी OP के रहने वाले हैं। इन दोनों को तत्काल फिर तुरंत गिरफ्तार किया गया और लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है और जो भी विधिवत कार्रवाई है वो की जा रही है। इस मसले पर स्कूल प्रबंधन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं CTSP ने बताया कि मामला गंभीर है और इस तरह के कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस के द्वारा ठोस कार्रवाई की जाती है और उसी के आधार पर दोनों की गिरफ्तारी हुई है। घटना का CCTV फुटेज के साथ साथ फोरेंसिक जाँच भी कराई गई है और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। ये 12 तारीख की घटना थी और लड़की ने शायद 2-3 दिन संकोच किया, पर उसके बाद 15 तारीख को ये अपने माँ बाप को बताया था। उसके तत्काल उसके पेरेंट्स ने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर ये कार्रवाई हुई। इन मामलों को हम एकदम गंभीरता से लेते हैं और तुरंत उसमें एक्शन करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, इसमें 6 घंटे के अंदर जैसी FIR हुई उसी दिन उन दोनों की अरेस्टिंग हो गई और साक्ष्य संकलन भी हुआ और जो प्रॉपर विधिवत जो FSL वगैरह का हम लोग बुलाते हैं वो सब भी हुआ और सारे साक्ष्य को सही से संकलन करके अच्छे से इसमें कन्विक्शन भी कराया जाएगा। जो इसमें अक्यूज्ड है मेन, तो वो जिम्मेवार हैं। इसमें पूरे स्कूल को जिम्मेवार ठहराना तो अच्छी सही नहीं रहेगा, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं नज़र रखनी चाहिए कि कौन से टीचर्स क्या करते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कमिटी होती है POSH नाम से, तो उनकी जिम्मेवारी भी रहती है कि वो अगर कोई भी एम्प्लॉय के ऊपर कोई आरोप लगाता है तो उसको जांच करें और अच्छे से उस जांच का रिपोर्ट दें। तो सभी को सेंसिटाइज करना पड़ेगा इस मुद्दे को लेके, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे सोसाइटी अवेयर होगी तो इसमें बेटरमेंट होगा धीरे धीरे। वही इस मामले पर विधायक अजीत शर्मा ने मांग की है कि दोषी शिक्षकों को आजीवन कारावास की सजा दी जाए और शिक्षकों के साथ साथ स्कूल के प्रिंसिपल पर भी कार्रवाई की जाए। बेटी के समान 13-14 साल की बेटी, उसके साथ एक टीचर, पहले याद होगा जमाने में जब माँ बाप खड़े होते थे और शिक्षक खड़े होते थे तो लोग कहता था पहले किसको पांव छुआ जाता है, तो लोग कहते थे कि शिक्षक का पहले छुआ, गुरु को ये इज्जत था। आज के शिक्षक का क्या हो गया है? इतनी घृणित काम किया गया है और आप कहते हैं गिरफ्तार हुआ। मैं तो कहूँ गिरफ्तार ही नहीं, उसको तो पूरे आजीवन कारावास होना चाहिए। और ये पूरे शिक्षक क्या, पूरे शिक्षक समुदाय की बेइज्जती है और अपने एक बेटी के साथ इस तरह का जो कुकर्म किया है, इतना घृणित काम, इसको कड़ी से कड़ी सजा और आजीवन कारावास होना चाहिए, ताकि कोई दूसरा शिक्षक हिम्मत न कर सके बच्चियों के साथ करने का। लोग अभी सरकार कहती है कि शिक्षा देंगे, बच्चे बच्चियों को समान रूप से आगे बढ़ाएंगे, और ये शिक्षक लोग, और खास करके ये आप कह रहे हैं सेंट जोसेफ स्कूल की बात है, क्या प्रिंसिपल कर रहे थे, क्या शिक्षक को ऐसे काम कर रहे थे इनको पता नहीं था? मैं तो कहूंगा कि उनके शिक्षक के साथ साथ प्रिंसिपल में भी कार्रवाई होनी चाहिए। सबरंग भागलपुर बिहार झारखंड का सबसे बड़ा कपड़ों का स्टोर, ग्रैंड ओपनिंग 25 सितंबर को। अब सह परिवार सादर आमंत्रित है। हर कपड़ा मार्केट से सस्ते दामों में। नियर होटल चिन्मय, कटहलबारी रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में
कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। में कुदरत का हैरतअंगेज कारनामा देखने को मिला है। दरअसल मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर गोराडी प्रखंड के हरचंडी गांव स्थित बदारी बहियार में एक ऐसा रहस्यमयी कुआं मौजूद है जिसके पानी को देखने के लिए लोग दूर दराज से पहुंच रहे हैं। दरअसल धान के खेत के बीचों बीच एक ऐसा कुआं है जो पिछले 2 दशक से सूखा पड़ा था और अब अचानक उसमें पानी आ जाता है और पानी भी साधारण नहीं। कुएं का पानी लगातार उबल रहा है जो लोगों को अचंभित कर रहा है। ताज्जुब की बात कि उबलता हुआ यह पानी गर्म होने की जगह बिल्कुल ठंडा है। गाँव के एक ने सीढ़ी के सहारे कुएं में उतर कर देखा, पानी से ऊपर की ओर दबाव बन रहा था लेकिन जलस्तर में वृद्धि नहीं हो रही। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी। आश्चर्य की बात है कि जिस इलाके में चापाकल और कुएं का लेवल 80 फीट के नीचे पहुंच गया है, ऐसे में 20 से 25 फीट गहरे कुएं में अचानक पानी कैसे आ गया। ग्रामीणों की माने तो यह कुआं 60 से 70 साल पुराना है और पिछले कुछ वर्षों से यह पूरी तरह से सूखा पड़ा था। ग्रामीण अभिषेक चंद्रवंशी ने बताया कि उबलते हुए ठंडे पानी के रहस्य को जानने के लिए गांव के बड़े बुजुर्ग प्रोफेसर व डॉक्टर ने कुएं के पानी को निकालकर इसकी टीडीएस जांच की। जांच में यह पानी बिल्कुल पीने योग्य पाया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने इसे पीना शुरू कर दिया और लोग कुएं पर लगातार स्नान के लिए भी पहुंच रहे हैं। इसी दरमियान एक महिला ने इस पानी से नहाने और उसके शरीर में हड्डी संबंधित सभी रोग दूर होने का दावा किया। उबलते हुए पानी वाले इस कुएं को लेकर कई अफवाह भी गांव में फैल रही है। दरअसल गांव की एक महिला सुनैना देवी ने बताया कि उसके पानी से नहाने से उनके शरीर का दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। महिला कई वर्षों से कमर व घुटने के दर्द से परेशान थी लेकिन कुएं के पानी से नहाने से वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो जांच का विषय है लेकिन फिलहाल हरचंडी गांव में मौजूद यह कुआं चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या हुआ है इस कुएं में अचानक से? कुआं में अचानक से पानी दिखा एक महीना पहले 3 बजे का टाइम था। हम आ रहे थे उधर से, पानी का आवाज आया, हमने देखा, 2-4 आदमी को बोले लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ। एक लड़का प्रीतम नाम करके था, उनको बोले तो बोला चलो देखते हैं, आके देखें। देखें तो हल्ला हुआ इसका। रात में करीबन 25 आदमी आया देखने के लिए, 25 से 40 दरमियान सबको देखा। रात में बिहाने से सुबह से हल्ला अच्छे हो गया तो आना जाना आदमी को लगा रहा तो 2-3 रोज तक पानी रहा। 3 रोज के बीच में और चैनल वाला आया, पानी पीने का आदमी शुरू किया, बहुत कोई पिया नहीं आया, उसमें पानी भी खत्म हो गया। फिर पानी आया, फिर पानी आने के बाद पिया नहाया, बहुत आदमी का ठीक हो रहा है जिसको भरोसा है विश्वास है। एक अशोक ग्राम उसकी पत्नी थी, उसका देहांत में दर्द था, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया पानी पीने के बाद, सही हो गया, चलने फिरने लगा। पानी क्या उसमें स्थिर है? पानी स्थिर है, पहले पानी कम था लेकिन अभी पानी करीबन 8 फीट कुआं पानी है, 10 फीट क्या नॉर्मल पानी लग रहा है? नॉर्मल पानी, बिल्कुल नॉर्मल पानी, पीने में भी अच्छा पानी लग रहा है, सबको पी रहा, हम भी पिए। कैसा पानी है उसमें? पानी खोल रहा है लेकिन पानी बिल्कुल ठंडा है, गर्म नहीं है। नहीं नहीं, क्या लग रहा काहे खोल रहा है? अब वो तो देवी को है क्या है तो हम नहीं बता सकते हैं। 4-5 साल से सूखा कुआं था, सूखने के बाद जो है मैंने ये कुआं में पानी उनी कुछ नहीं था। इसमें बोरिंग है, बोरिंग भी सूख के नीचे चला गया था, पानी उनी नहीं था, कुछ नहीं था इसमें, और 5 साल से ये कुआं बंद था। अब की बार अचानक पानी आया है, एक बार 1 महीना हुआ होगा करीब, उसके बाद 2-3 दिन यही पानी रहा, उसके बाद जो है पानी खत्म हो गया, फिर से मैंने पानी अपने आप। कैसा पानी है? पानी तो बहुत अच्छा है, खोल रहा है, खोल रहा है पानी, खोल रहा है तो गर्म नहीं है? नहीं, ठंडा पानी है। क्या करके देखे आप लोग, पी के देखे? हाँ, पानी पी के दिखे तो बहुत ठंडा पानी है। तूने किसी का दर्द भी ठीक हो गया है पानी से? हाँ, एक तो बोल रहा है कि गांव में अशोक राम करके नाम है उसका पत्नी, पानी से नहाए तो उसका जो है मना दर्द खत्म हो गया। कमर में दर्द था बहुत दिन से, वो नहीं ठीक हो रहा था, वो कुआं से नहा तो मना दर्द खत्म हो गया। आसपास कितने कुएं हैं? लगभग 4-5 कुआं हैं। सब में है पानी? नहीं, सब सूखा है।
इसी में खाली पानी? हाँ, इसी में खाली पानी है। क्या लगता है आप लोगों को, कैसे आ गया पानी? ये तो अचानक पानी आया है। हम लोग सोचे कि गैस उस है या कुछ है, तो पानी तो खत्म हो गया दो दिन में, लेकिन फिर कहाँ से आ गया, अचंभे वाला बात है। देश भर में गणेश उत्सव को लेकर धूम मची है। वहीं 10 दिनों तक चलने वाले गणपति बप्पा की पूजन की शुरुआत कल 19 सितंबर से हो रही है। हालांकि पूरे महाराष्ट्र व मायानगरी मुंबई में गणेश उत्सव खास अंदाज में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष बिहार के भागलपुर जिले में गजानन का एक अनोखा स्वरूप देखने को मिलेगा। दरअसल शहर के बीचों बीच सोनापट्टी में इस बार लंबोदर की प्रतिमा खास होने वाली है, क्योंकि स्थानीय मूर्तिकार रंजीत पंडित के द्वारा 61 किलो सुपाड़ी से 11 फीट भगवान गणेश की प्रतिमा को तैयार किया गया है। पिछले वर्ष हल्दी से गणेश की प्रतिमा बनाई गई थी, जिसे दूर दराज से लोग देखने पहुंचे थे, और इस वर्ष सुपाड़ी से बनी भव्य मूर्ति लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। वहीं गजानन को 56 भोग भी लगाया जाएगा। कलाकार रंजीत पंडित ने बताया कि हम लोग सुपाड़ी से भगवान की प्रतिमा तैयार कर रहे हैं। इस बार हम लोग कुछ अनोखा करना चाहते थे और सुपाड़ी से भगवान गणेश की पूजा होती है, इसलिए इस बार सुपाड़ी की मूर्ति बना रहे हैं। भागलपुर में गणेश उत्सव की 1990 से शुरुआत हुई थी और सबसे पहली प्रतिमा को सोनापट्टी में ही बैठाया गया था, और इस बार हम लोग उसी जगह 61 किलो सुपाड़ी से प्रतिमा का निर्माण कर रहे हैं और यह लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनेगी। मूर्तिकार गौतम कुमार ने बताया कि भगवान गणेश को सुपाड़ी अति प्रिय है और उनके हर पूजन में सुपाड़ी महत्वपूर्ण होता है, यह शुभ माना जाता है, इसलिए इस वर्ष हम लोग सुपाड़ी से ही प्रतिमा को तैयार कर रहे हैं। इस मूर्ति को हम लोग पिछले एक महीने से तैयार कर रहे हैं और इसमें काफी मेहनत भी लग रही है, लेकिन दूर दराज से काफी संख्या में लोग देखने पहुंचते हैं, तो इससे मन प्रफुल्लित होता है। पूजा समिति के महंत विष्णु कुमार शर्मा ने बताया कि पिछले वर्ष मोर पंख की प्रतिमा बनी थी और उससे पहले हल्दी से गजानन की मूर्ति को तैयार किया गया था। हम लोग हर वर्ष कुछ न कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं। इस मूर्ति को तैयार करने में 80,000 रुपए का खर्च आया है। किस चीज की मूर्ति तैयार कर रहे हैं? ये सुपाड़ी का मूर्ति बन रहा है। क्यों सुपाड़ी का है? वो मैंने नया आइटम में होना चाहिए ना, सुपाड़ी का पूजा होता है, सुपाड़ी का ही बोला इस मूर्ति जो है ना बनना चाहिए। कितने फीट की मूर्ति? ये मूर्ति 11 फीट की है। ये आकर्षण का केंद्र बनेगी? हाँ, 61 किलो सुपाड़ी से तैयार मूर्ति हो रही है। पिछली बार किस चीज का? पिछली बार तो मिट्टी का ही था। इतना भव्य मूर्ति है, लोग कहाँ से देखने आते हैं? बहुत दूर दूर से आदमी आता है। भागलपुर में सोनापट्टी का जो है ना, सबसे भागलपुर में जब से बैठ रहा है मूर्ति, सबसे पहला मूर्ति सोनापट्टी का ही है। पहले हल्दी की मूर्ति बनी थी, फिर उसके बाद में मोरपंख की मूर्ति बनी थी, फिर उसके बाद में दुबड़ी की मूर्ति बनी थी, अब की साल सुपाड़ी की मूर्ति बन रही। कितनी बड़ी है ये? 13 फुट। क्या खास रहेगा इसका? सब खास ही खास है। आप कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं। भागलपुर में पहली बार कहाँ शुरुआत हुई? भागलपुर में यहीं से चालू हुई है, प्रथम स्टार्टिंग यहीं से। कब आप हल्दी की बनी थी? हाँ, कब प्रारंभ हुई थी? 1990 में। कितने की लागत से ये मूर्ति लगभग बन गई है? ये अभी 70-80 हजार रुपया मान लीजिए। जिले के टॉप 10 में शामिल कुख्यात अपराधी पंकज यादव को SDPO स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में छापेमारी कर SIT टीम गठन कर गिरफ्तारी की गई। अपराधी पंकज यादव के ऊपर बिहार झारखंड राज्य में लूट हत्या व डकैती का केस दर्ज है। SIT टीम में कहलगांव थाना अध्यक्ष श्रीकांत भारती, पीरपैंती CI लाल बहादुर, पीरपैंती थाना अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद, ALTF इंचार्ज नीलमणि कुमार, पुलिस व निरीक्षक विक्रम कुमार, कन्हैया कुमार, सुप्रिया कुमारी सहित कई लोग शामिल थे। SDPO स्वर्ण सिंह ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर पीरपैंती थानाध्यक्ष राजकुमार प्रसाद के नेतृत्व में क्षेत्र में लगातार छापेमारी की जा रही थी। भागलपुर जिला अंतर्गत टॉप 10 कुख्यात अपराधी में शामिल पंकज यादव ग्राम लकड़ाकोल थाना पीरपैंती की गिरफ्तारी कर ली गई है। इन पर अब तक लूट हत्या तथा डकैती से कुल 14 मामले प्रकाश में आए हैं। इनका गैंग सीमावर्ती राज्यों में भी सक्रिय है। इनके गैंग के अन्य सदस्यों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। लोकसभा का विशेष सत्र 7 दिनों के लिए बुलाया गया है, लेकिन उसमें विपक्षी दलों की भूमिका निंदनीय है।
संसद भवन सभी सांसदों के लिए है। उक्त बातें भागलपुर लोकसभा के पूर्व सांसद शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर दौरे के दौरान कही। बताया कि बिहार में बीजेपी और जदयू नदी के दो पार्ट की तरह है और अब मिलन संभव नहीं दिख रहा। आगामी लोकसभा चुनाव में बहुमत से बीजेपी जीतेगी। ये लोग अपमान कर रहे हैं। संसद चल रही है, सबको शामिल होना चाहिए, सबको ध्यान रखना चाहिए। आज़ादी के अमृत काल में भी ये लोग जिस तरह का व्यवहार विपक्ष कर रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार में बीजेपी जेडीयू का रिश्ता जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब ये फिर से कोई रीयूनियन नहीं होने वाला है। अब बीजेपी और जेडीयू अब नदी के दो पार्ट हैं, इनकी मिलने की कोई संभावना नहीं है। हम लोग लोकसभा में 40 की 40 सीट जीतेंगे और विधानसभा में भी छाती पर कमल का फूल लगा के बीजेपी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के रूप में धूमधाम से भाजपा के युवा मोर्चा की ओर से मनाया जा रहा है। सेवा पखवाड़ा के रूप में आज दूसरे दिन भागलपुर के शीला विवाह भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर आयोजित कार्यक्रम में रक्तदान किया और शहर में फैल रहे डेंगू से ग्रसित लोगों के लिए जल्द ठीक होने की कामना भी की। रक्तदान शिविर कार्यक्रम के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन भी मौजूद थे। उन्होंने सभी लोगों से ज्यादा रक्तदान करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान युवा मोर्चा के चंदन ठाकुर ने बताया कि इस रक्तदान शिविर में ज्यादा से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। तकरीबन 100 यूनिट रक्त जमा किया गया है। मौके पर भाजपा भागलपुर इकाई के युवा मोर्चा के दर्जनों पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे। और ये रक्तदान पूरे देश में हो रहा है, रक्तदान महादान है। हम लोग इसमें पूरी ताकत से लगे हुए हैं, क्योंकि मोदी जी का जन्मदिन हम लोग सेवा सप्ताह के तौर पर मनाते हैं, इसलिए हम लोगों ने आज रक्तदान यहाँ पर आयोजन किया है। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु से एक अधेड़ ने गंगा नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद तेज धारा में बहता चला जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद इंग्लिश गांव के समीप गंगा नदी में बहता देखकर चार पांच लोग गंगा में घुसकर उसे घेर कर उसे गंगा से बाहर निकाला। अधेड़ की पहचान पूर्णिया के रूपौली निवासी रामानंद मुनि के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह से तंग आकर वो आज रूपौली से भागलपुर पहुंचे और विक्रमशिला सेतु से छलांग लगा दी। इधर घटना की सूचना पर SDO धनंजय कुमार के आदेश पर SDRF की टीम को सबौर CO ने मौके पर भेजा। इससे पहले ही ग्रामीणों ने तैर कर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मुनि और पिताजी का नाम भागवत मुनि। भागवत मुनि, आपका ग्राम पकड़िया पोस्ट बड़ापुरा बहादुरा थाना रूपौली थाना। तो आप मतलब कि ये जो विक्रमशिला पुल है उस पर से फाने थे, कारण क्या है? बेटा संगे झगड़ा, पारिवारिक कलह। ठीक है, तो अभी आप जा रहे हैं